पप्पू यादव के कारण एक बार फिर से महागठबंधन के दो घटक दल कांग्रेस और राजद के बीच में दूरियां बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि राजद ने स्पष्ट कर दिया है कि पप्पू यादव वो कारण है जिससे कांग्रेस और राजद की दूरी बढ़ सकती है, और इस पर पप्पू यादव के मुद्दे पर राजद कोई भी समझौता नहीं करेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और माधेपुरा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से नजदीकी बढ़ा रहे थे और इस नजदीकी को कांग्रेस का भी सह मिल रहा था। इस सहमात के खेल में राजद ने शुरू में ही इस बात का इशारा कर दिया था कि उसे पप्पू यादव स्वीकार नहीं है। और पप्पू यादव ही क्यों, इस तरह के अवांछित यानी कहा जाए तो बाहुबली के नाम से जाने जाने वाले लोग महागठबंधन में स्वीकार्य नहीं है, इसकी स्पष्ट घोषणा मीडिया के सामने तेजस्वी यादव ने कर दिया था कि बैड एलिमेंट्स का महागठबंधन में कोई स्थान नहीं है। अब बात यहां पहुंच गई है कि कांग्रेस को लेकर के और महागठबंधन में समझौता को लेकर के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से कांग्रेस और राजद आमने सामने हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव राजद की ओर से झटका मिलने के बाद उनके सारे संजोए सपने धराशायी हो सकते हैं। राजद प्रमुख लालू प्रसाद से मतभेद जग जाहिर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पप्पू यादव राजद के टिकट पर सांसद बने थे, उसके बाद आपसी मतभेद हुई थी और मतभेद के बाद पप्पू यादव ने अपनी पार्टी बना लिया था। स्थिति यह है कि राजद ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि उनकी पार्टी जाप महागठबंधन में स्वीकार्य नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस इस पर क्या करती है। सूत्र जो बता रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस को अपने फैसले से अवगत करा दिया गया है राजद के द्वारा। सूत्रों की माने तो राजद ने कांग्रेस को दो टूक शब्दों में कह दिया है कि कांग्रेस पप्पू यादव को चुनाव मैदान में उतारना चाहती है तो उतारे, आपत्ति नहीं, परंतु यदि पप्पू यादव जाप के चुनाव सिंबल पर मैदान में जाना चाहेंगे तो राजद को स्वीकार नहीं है। कांग्रेस के अंदर खाने के सूत्र भी स्वीकार करते हैं कि जाप संरक्षक सांसद पप्पू यादव का आला कमान गंभीरता से विचार तो कर रहे हैं, लेकिन मामला फंस गया है। कांग्रेस चाहती है कि पप्पू अपनी पार्टी का समायोजन कांग्रेस में कर लें ताकि उन्हें टिकट देने में आसानी हो। अब स्थिति यह है कि पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन पहले से ही कांग्रेस में हैं। क्या पप्पू यादव कांग्रेस में आएंगे? अगर कांग्रेस में आ जाते हैं तो उनकी राह आसान होगी, वरना पप्पू यादव के लिए महागठबंधन की राह बहुत ही मुश्किल होगी। जुड़े रहिए न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ, हम आपको हर खबर से रखते हैं बाखबर। हमें आपको एक सूचना देनी है और सूचना यह है कि आपका भारत लाइव यूट्यूब चैनल का परिवार अब 2 लाख से ज़्यादा का हो गया है। ये आपका प्यार और आशीर्वाद है कि पिछले 3.5 महीने में आपने हमें इतना स्नेह दिया और आशीर्वाद दिया। ये स्नेह और आशीर्वाद का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये हमारी तरफ से हमेशा आपके मान सम्मान और आदर के रूप में बना रहेगा। हमें मार्गदर्शित करें, अपना विचार दें और आप आगे हमसे क्या चाहते हैं, किस तरह की खबरें चाहते हैं, हमारी खबरों में क्या कमी रह गई है और क्या आप बताना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आप इस परिवार के सबसे अभिन्न अंग हैं। हमारा काम है, हम करते रहेंगे, हम सच दिखाते रहेंगे और सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। फिर मिलने का वादा के साथ नमस्कार। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।